लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भाई से शादी करने की डिमांड लेकर थाने पहुंची लाडली बहना। पिछले 6 वर्षों से बना रहे थे संबंध। भाई और बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ लोगों की सोच इतनी बदल गई है कि इस रिश्ते की भी अब कोई अहमियत नहीं रह गई। पुलिस के सामने हाल ही में ऐसा ही कुछ मामला आया है। यह घटना बेलारी थाना क्षेत्र के रहने वाले एक युवक की है, जिसने शर्म की थोड़ी सी भी हद नहीं रखी। बताया जा रहा है कि यह युवक अपनी शादी से फरार हो गया, क्योंकि पिछले 6 सालों से यह व्यक्ति एक लड़की को शादी का झूठा झांसा दे रहा था और शारीरिक संबंध बना रहा था। लेकिन जब 6 साल बाद इस युवक का उस लड़की से मन भर गया तो यह किसी और से शादी करने जा रहा था। इस बात का पता जैसे ही उस लड़की को लगा तो है तुरंत उस क्षेत्र के पुलिस थाना में पहुंच गई और उस युवक से शादी करने की जिद करने लगी। पुलिस की छानबीन करने पर सामने आया कि वे उसकी मौसेरी बहन है और यह दोनों पिछले 6 साल से एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे और युवक इस लड़की के साथ प्यार का नाटक कर रहा था। पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आए तो पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने सोचा भी ना था कि आज के समय में ऐसा कुछ हो सकता है। हम आपको बता दें कि यह पूरा मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र में हुआ है। यह खबर सुनने के बाद सभी लोगों की आंखें झुक गई कि एक युवक अपने ही मौसेरी बहन के साथ पिछले 6 सालों से संबंध बना रहा था। लड़की का बयान लेने पर पता चला कि वह उसे अक्सर शादी का झूठा झांसा देता और उससे लगातार शारीरिक संबंध बनाता रहता था। जब यह बात हद से ज्यादा बढ़ गई और दोनों आपस में ज्यादा मिलने लगे तो लड़की के घर वालों को इस बात की भनक पड़ गई और उन्होंने तुरंत उसकी शादी करने का फैसला लिया। युवक की शादी रामपुर नामक एक जिले में हत्या कर दी गई। लेकिन जब इस बात का पता युवक की प्रेमिका को लगा तो वह अपने आपे से बाहर हो गई और तुरंत इस बात का विरोध करने बेलारी थाना क्षेत्र में पहुंच गई। लड़की ने आगे यह भी बताया कि वह उससे हर रोज शारीरिक संबंध बनाता था, लेकिन शादी तय होने के बाद भी उसने युवती को इस बारे में कुछ नहीं बताया। लड़की अभी भी उस युवक पर भरोसा करे हुए हैं और कह रही है कि 3 दिन पहले वे घर से भाग गया और किसी भी हालत में उसे उस लड़के से शादी करनी है। युवती का रो रो कर बुरा हाल है और लगातार पुलिस वालों से उस लड़के को ढूंढ कर लाने की गुजारिश कर रही है। युवती के ज्यादा जोर डालने पर पुलिस वालों ने तुरंत मामले की तहकीकात शुरू की और उस लड़के को ढूंढ निकाला। लड़के के मिलने के बाद दोनों के घर वालों ने उनकी शादी करने का फैसला लिया और युवती को अपने घर भेज दिया। अगले दिन जब पीड़िता कोर्ट में उस लड़के से शादी करने पहुंची तो वहां आना तो उस लड़के के घर वाले थे और ना ही वे लड़का। पीड़िता गुस्से से आग बबूला हो उठी और तुरंत उस लड़के के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर लड़की ने देखा कि उस युवक के घर शादी की तैयारियां चल रही थी और लगन समारोह भी हो रहा था। जब युवती ने पाया कि उसका प्रेमी किसी और के साथ शादी कर रहा है तो उसने तुरंत पुलिस को फोन करना जरूरी समझा। लड़के के घर वालों को जैसे ही पुलिस के वहां आने की खबर पड़ी तो उन्होंने लड़के को वहां से भगा दिया और लगन समारोह भी वहीं पर रोक दिया। लड़की का कहना है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही लड़की के घर वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया और उस लड़की से अपने सभी रिश्ते नाते भी तोड़ दिए। युवती लगातार न्याय की गुहार पुलिस के सामने लगाई जा रही है, लेकिन लड़की को न्याय मिलने की उम्मीद कहीं नजर नहीं आ रही है। लड़की का कहना है कि अगर उसकी शादी उसके प्रेमी से नहीं हुई तो वह खुदकुशी कर लेगी। दोस्तों, आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर हमारी खबर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो करें।